हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो यार, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। और यार, अभी ना जिसमें सो के उठा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे होगा और दिवाली के दिन भी मैं थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि रात को लेट सोया था। और अभी यार काफ़ी सारे काम है, मतलब साफ सफाई ना अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी आपको पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी, पीछे काफ़ी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और एलेक्स की इतनी हालत ख़राब है, अभी आपको दिखाऊंगा, वो बहुत डर रहा है पटाखों से। नॉर्मल है, हर डॉग डरता है। और मैं कह रहा था कि यार सफाई वगैरह बची हुई है, अभी घर की थोड़ा बहुत और काम करना है और उसके बाद जाएंगे हम बाहर, थोड़ा आपको कुछ चीज़ दिखानी है। आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो सीधा चलते हैं। तो भाई यार, इशू देखो अभी कितना डरा हुआ है। अभी बाहर जब मैं वीडियो बना रहा था तो पटाखा फूटा ना एकदम से, तो ये मेरे पास ही खड़ा था और अभी एकदम भाग के अंदर आ गया भाई। जो नॉर्मली यार सारे डॉग्स जो होते हैं, पेट डॉग्स जो होते हैं, ज़्यादातर वो सब डरते हैं भाई पटाखों से। तो ध्यान रखना यार, आप लोग भी जिसके पास पेट है अपने डॉग का यार ध्यान रखो, अकेला ना छोड़े इनको आज के दिन बिल्कुल भी, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इनके साथ रहो, इनके टाइम स्पेंड करो और हो सके तो यार कम से कम नॉइस आनी चाहिए इनके पास। गेट वेट बंद कर दो सारे, पटाखों की आवाज़ कम आए जितना उतना कम इनको स्ट्रेस होगा। ये देखो यार, ये बहुत ऐसे उदास सा हो रहा है कल से, सबसे पटाखे फूट रहे हैं। फिलहाल इसको भी नहलाना भी है, दिवाली की सफाई में ना ये पूरा धूल में भर चुका है, अभी इसको नहलाएंगे। अभी सफाई का काम सारा ख़त्म हो चुका है और फाइनली अब मैं जा रहा हूँ नहाने और उसके बाद मिलता आपसे। तो यार अभी मैं नहा के आ चुका और एलेक्स को भी मैंने नहला दिया और अभी हम जा रहे हैं रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए, जो मिठाई वगैरह देते हैं यार उनके लिए, मम्मी के साथ मैं जा रहा हूँ वो लेने के लिए। और उसके बाद एक जगह और जाना है, वो अभी आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो चलते हैं सीधा अभी गिफ्ट लेने। तो यार मम्मी के साथ आया था ना, तो मैंने बोला मम्मी पैंट भी ले लेते हैं, तो अभी पैंट देख रहे हैं, मेरे लिए कोई पसंद आती है तो ले लेंगे। ये फ़ायदा होता है कभी मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाओ ना, अकेले जाओ तो नहीं होता ऐसा, लेकिन मम्मी के साथ जाओ ना तो एक दो चीज़ फालतू भी लेके आ सकते हैं। अभी पहले पैंट देखते हैं, उसके बाद चलेंगे मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो यार वहाँ तो मिली नहीं कोई गिफ्ट वगैरह, सही ढंग का था नहीं, तो अभी बाहर एक शॉप थी वहाँ पे आए हैं। इन पे थोड़े ठीक ठाक है, लेकिन यार इस बार ना मज़ा नहीं आ रहा गिफ्ट में, इतना मतलब मज़ेदार सी नहीं है। और ये डॉग्स देखो यार, मेरी स्कूटी पर एलेक्स बैठता ना आगे, तो उनकी स्मेल से डॉग्स आ जाते हैं मेरे पास। देखो कितनी भीड़ लग रही है, वहाँ सामान रखा है थोड़ा सा, और एलेक्स की महक आती है ना मेरे अंदर से भी, स्कूटी के अंदर से, तो डॉग काफ़ी आ जाता है मेरे पास। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को भी बहुत प्यार करता हूँ मैं। और ये देख सकते हो भाई आप, पैर अभी आ चुके हैं हम वापस घर पे। मिठाई वगैरह दे दी थी जिसके लिए ली थी, मतलब रिलेटिव के घर गए थे मम्मी के साथ, और मिठाई वगैरह दे के आ चुके हैं अभी घर वापस। और अब मैं जा रहा हूँ एलेक्स के लिए कोट लेने, जो सर्दियों का कोट होता है ना, तो मतलब ठंड आ ही चुकी है ऑलमोस्ट, तो मैं सोचा कोट ले आता हूँ, दिवाली के टाइम भी पहन लेगा वो। तो घर के पास ही एक शॉप है होलसेल की, तो वहाँ चल के देखते हैं, अगर मिलता है तो लेके आएंगे। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं पेट शॉप पे, यहीं से मैं एलेक्स का ज़्यादातर सामान यहीं से लेता हूँ क्योंकि होलसेल शॉप है और अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं यहाँ से। तो अभी मैंने बोला है कोट दिखाने के लिए, और ये ढूंढ रहे हैं कोट, इनका शायद नया स्टॉक आया नहीं है, तो लास्ट ईयर का स्टॉक निकाल के दिखाएंगे, अगर कोई पसंद आता है तो देखते हैं। और भाई इन्होंने ये दिखाया है, एक ये है, एक ये है, ये तीन है। इसके अंदर का ठीक ठाक सा है लेकिन, और जो ये वाला है ना, इसके अंदर का थोड़ा ऐसा है जिस पर ना ये बता रहे हैं कि बाल चिपक जाते हैं डॉग्स के, तो ये तो लेना नहीं भाई। ये वाला ही थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम लिया था वो ज़्यादा अच्छा था, तो यार मज़ा नहीं आ रहा। तो यार कोट तो मिला नहीं आपको, मैंने दिखाया वो कोट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे नहीं, लास्ट टाइम जो मिलाया था ना वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का था भाई, गर्म भी था और एकदम मतलब ठंडी लगती थी सर्दियों में, तो वो लेके आया था मैं। और अभी मैं कोट पसंद नहीं आया बिल्कुल, मतलब नया स्टॉक आया नहीं है ना, अभी पुराना ही स्टॉक दिखा रहे थे वो लास्ट ईयर का, तो मैंने उनसे बोल दिया अभी नया स्टॉक आया मुझे कॉल कर देंगे। और जो दूसरी शॉप है, एक और शॉप है मतलब, वो तो बंद ही थी दिवाली की वजह से, तो नहीं आ पाया। एलेक्स के लिए बैड न्यूज़ है, क्या कोई नहीं। तो यार अब ना थोड़ी शाम हो गई है और पटाखे ज़्यादा फूटने लगे हैं और इसकी हालत भाई बहुत ख़राब है, डर के मारे अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो इसलिए यार जिसके पास भी पेट्स हैं, अपने डॉग की या कैट जो भी आपके पास है, अकेला ना छोड़े इनको और इनके साथ टाइम स्पेंड करें भाई आज के दिन, क्योंकि ये लोग ना बहुत डर जाते हैं, इनको पता नहीं होता। एलेक्स ये देखो, ये ऐसे प्यार से बैठता नहीं है कभी, ये सता नहीं करता रहता पूरे। और अभी देखो कितने मजे से रहता है, क्योंकि डरा हुआ है ना अभी बहुत ज़्यादा। तो यार हमने पता क्या करा, एक कपड़ों की ना ऐसे कपड़े, जो पुराने कपड़े होते हैं वेस्ट, उनकी ऐसे एक बॉल बना दिए, देखो बॉल टाइप है ये,
और ये इसको खेलने के लिए दिया है ताकि इसका ना माइंड डाइवर्ट रहे और जो पटाखे फूट रहे बाहर उससे डरे ना। तो ये काफ़ी असर कर रहा है, मैं कल से ट्राई कर रहा था ये, और अब जो पटाखे फूट रहे हैं ना इसको इतना डर नहीं लग रही है, उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा, तो जो उसका स्ट्रेस है ना वो भी रिलीफ होता है इससे। आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, कोई टॉय दे के या किसी और चीज़ में इसका दिमाग ला के अपने डॉग का, उससे बहुत फ़ायदा होता है भाई। बस गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।